इज वेलकम टू माय चैनल एवी रॉक्स टीम, जहाँ पर जापानीज लीग का मैच हो रहा है टोक्यो वाइटी वर्सेस एससीपी के बीच 9:30 बजे के करीब खेला जाएगा मैच। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे एंड बात करें अगर हम इस मैच की, तो टोक्यो वाइटी एंड एससीपी में वी हैव टू फेवर टोक्यो वाइटी। और अभी अगर देखा जाए तो इन दोनों टीम्स का लास्ट मैच J2 लीग में हुआ था, जैपनीज जापान डिवीज़न 2 में, और अब हो रहा है जैपनीज डिवीज़न 1 में, मेन लीग में, जिसके अंदर दोनों टीम क्वालिफाइड हैं इस साल। लेकिन इससे भी ज़्यादा देर नहीं, अगले सीज़न बाहर होगी, डिवीज़न 2 में ही दिखेगी, क्योंकि बिल्कुल नीचे है ये टीम। अगर टॉप देखा जाए तो इनकी टीम जो जैपनीज लीग में टॉप टीम्स है, लाइक बड़ी बड़ी टीम है, वो अच्छा कर रही हैं, जैसे कावासाकी फ्रंटेल हो गई, विजल कॉप हो गई, वो अच्छा करते हैं हर साल। लेकिन मेरे को टोक्यो वाइटी की से एक्सपेक्टेशन थी मिडल की, लेकिन एससीपी तो बहुत हद से गंदा खेल रही है, तो मेरे हिसाब से वाइटी को फेवर करना चाहिए। तो आगे चलते हैं। तो स्ट्राइकिंग की अगर बात करें, देखिए भाई, स्ट्राइकिंग में आपको अनेक ऑप्शन मिलेंगे, अनेक ऑप्शन मतलब काफ़ी, जिसके अंदर यू हैव टू टेक आइसोमैनो। देखिए, आप आइसोमैनो को ड्रॉप आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस हिसाब से इसने क्योटो सांगा के अगेंस्ट गोल किया था, उसके बाद ये इंजर्ड हो गया था, तो अभी इसकी फॉर्म के बारे में हम भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये टीम में लेना ज़रूरी है। उसके बाद किमूरा की बात करूँ, देखो किमूरा भी ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी आप फेवर कर रहे हो, और फेवर करने के बावजूद अगर आप उनके मेन स्ट्राइकर छोड़ रहे हो, तो भाई फिर तो दिक्कत की घड़ी है। एंड वाई कोमाई की अगर बात करें, तो वाई कोमाई और डी ओलिवेरिया, देखो बहुत दिनों से खेल नहीं रहा, डॉगलेस ओलिवेरिया होता तो शायद टेंशन ही ना होती इनको इतनी, जितनी इनको लेनी पड़ रही टेंशन, और हमको भी, क्योंकि मजबूरी में कोमाई लेना पड़ रहा है। सब जानते हैं कि कोमाई एक स्ट्राइकर नहीं है, सबको पता है, सब यू ऑल नो कि कोमाई सिर्फ एक मिडफील्डर रह चुका है। यहाँ पर आना उसके लिए कोई प्रोग्रेस वाली बात नहीं है, मजबूरी में है वो यहाँ पर। और मिडफील्डिंग की बात करें, देखिए वायसेनो और एरेनो को तो मैं लूँगा, लोग कह रहे हैं कि सराचत को नहीं लिया, उसने किया ही क्या है भाई, लास्ट कितने मैचेस में आपको दिखा दूँ जिसमें बिल्कुल नील गया है। और लास्ट सीज़न इसका बिल्कुल अलग था, इंटरनेशनल लेवल इसका बिल्कुल अलग है, लेकिन जब बात आती है आज इस साल खेलने की, तो बिल्कुल बेकार खेल रहा है। सो चुपचाप अब उनके साथ जाओ, रिस्क मत लो। वायसेनो टी और एनो आर बेस्ट टीम, मिकी बहुत अच्छा खेल रहा है, टोक्यो वाइटी का प्लेयर। उसके बाद मोरिटा यमाडा, वो इतने खास मेरे को लगे नहीं, सब जेन्युइन बात कर रहा हूँ, मेरे को नहीं इन पर कोई एक्सपेक्टेशन, साफ बोलूँ, जब मेरे को उम्मीद ही नहीं है, ना उनका गोल रेशियो अच्छा है, ना इनका गेम प्ले में कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें मैं कहूँ कि लेना ज़रूरी है, तो ये तो टीम में ज़बरदस्ती लेने वाली बात है, तो मत लो। क्योंकि डिफेंडिंग सेक्शन के अंदर पहले आप लो ओनागा को, ठीक है, ओनागा अगर खेले तो कन्फर्म। तो उसके बाद ऐसा है कि हायाशी का तो अभी श्योर है नहीं, हायाशी इंजर्ड था, मुझे पता नहीं कि अभी वो क्या है, खेलेगा कि नहीं, क्योंकि उसकी ना रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा, जैसे मियाँ हारा खेल रहा है। उसके बाद फुकाजावा तो ज़बरदस्ती डालने वाली बात है, बट इंजर्ड फ्री हो चुका है तो दिख सकता है, ठीक है। उसके बाद चीडा की बात करें, देखिए चीडा पिछले मैच में अच्छा खेला था, तो मैं इसके साथ जाऊंगा। और बात करें अगर हम गोल कीपिंग की, देन सुगैनो एससीपी का बहुत बढ़िया खेल रहा है, अब बेचारा अकेला कैसे जिता देगा, ठीक है, पूरी टीम को साथ देना पड़ेगा, लेकिन वो बेचारा फिर भी अपने दम पे करता है कि गोल ना हो, अच्छी बात है। एंड बात करें कैप्टन की, कैप्टन है यहाँ पर देखिए मेरा सुमैनो, और जो मेरा वाइस कैप्टन दैट वाज मिकी, मिकी अच्छा कर रहा है भाई, मिकी से एक्सपेक्टेशंस है, तो ये मेरी टीम में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।